हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा शंकर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ना नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो सभी लोग आजकल पूजा पाठ में बिजी हैं और सभी के 9 दिन के व्रत हैं, किसी के व्रत हैं किसी के नहीं हैं, तो सब पे माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये ना वीडियो है जिस दिन हम गए थे मनमन कामेश्वर मंदिर, उसके आगे की ये कड़ी है, क्योंकि हम उस दिन एक मंदिर नहीं, हम 2 मंदिर गए थे, जिसके बारे में हमें दूसरे मंदिर के बारे में हमें बाद में बताया। नवरात्रि के टाइम पर ना घर पर अखंड ज्योत जलता है, तो वही सुबह शाम दोनों टाइम पाठ होता है, तो वही पाठ करके हम लोग गए थे शाम के टाइम पे, क्योंकि 4 बजे से ना सभी मंदिर खुल जाते हैं, एक सुबह के टाइम पे खुलते हैं एक शाम के टाइम पे खुलते हैं, तभी हम मनकामेश्वर मंदिर भी गए थे क्योंकि वो 4 बजे खुल जाता। और उसके बाद ना मनकामेश्वर मंदिर से आने के बाद हम गए थे सीधे ना हनुमंत धाम मंदिर, जो कि ना हमने फर्स्ट टाइम हम वहाँ पर गए थे, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर हम बाद में फिर और दिन जाएंगे, क्योंकि इस समय नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो ये बहुत ही शुभ दिन चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हनुमंत धाम मंदिर के भी दर्शन कर ले, जो कि पड़ता है ना परिवर्तन चौक से, जो पुलिस चौकी है उससे होते हुए राणा प्रताप मार्ग से हनुमंत धाम का बोर्ड दिखाई देता है, जिसे 100 मीटर की दूरी पे ही यह हनुमंत धाम मंदिर है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है इस समय। इस समय ना ये बहुत फेमस चल रहा है यूट्यूब में, इंस्टा में, आप इसके सारी फोटोज़ देखिए, वीडियोज़ देखिए, हर जगह ये बहुत अभी समय चर्चित है। और ये देखिए वकील मानिए ना, इसमें एंटर करते ही ना एक विशाल से एक मूर्ति यहाँ पे शिव जी भगवान की, जो ब्लू कलर में है, ये विशालकाय मूर्ति ना जो कि ब्लू कलर में है, वो ना रात के टाइम पे और भी सुंदर दिखाई देती है। और सामने ही ना देखेंगे ना आप हनुमान जी की ना इतनी प्यारी मूर्ति है ना, उनके चांदी का मुकुट विराजमान है उनके सर पे, वो देखने के लिए ना लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर मूर्ति है। और एक तरफ उनके शिव भगवान जी का पूरा परिवार है, सभी ये ना पूरे ये धाम में ना आपको ना हनुमान जी की ना जगह जगह मूर्तियाँ दिखाई देंगी, और हर प्रकार की आप कहीं पर भी देखेंगे, वॉल पे देखेंगे, इतनी अच्छी यहाँ पे ना मूर्तियाँ सब जगह विराजमान है ना, कहते हैं ना यहाँ पे 1.25 लाख मूर्तियाँ हैं, तो ये तो हम गिन तो सकते नहीं है, पर हमने जहाँ भी नज़र देखी, जहाँ भी हमने इतनी जल्दी में हम दर्शन करने आए थे, सब जगह हमने देखा हनुमान जी की मूर्ति, शिव भगवान जी का परिवार, और भी सभी देवता यहाँ पे, देवी देवता यहाँ पे थे, तो बहुत ही सुंदर था। और सच में बताऊँ, इतना पीस मिल रहा था, इतनी शांति मिल रही थी, और यहाँ पर राम दरबार भी था जो कि ना बहुत सुंदर था। और ये है वो हनुमान जी की मूर्ति, इतनी प्यारी सी, जो कि सब देखने यहाँ पर आते हैं। तो आपको ना अगर यहाँ पे ना लखनऊ शहर में आपने बहुत धाम देखे होंगे, तो बट ये जो है ना ये धाम ना बड़ा अलग ही है, इसकी ना रौनक ही अलग है, इसकी जो यहाँ पे इन्होंने कलाकृति करी है, जो भी यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन करी है, जिन्होंने भी ये बनाया है मंदिर ना, वाकई में ना बहुत सुंदर बनाया है, एक बार आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करने आएगा, क्योंकि हम लोग भी ना किसी के कहने पर यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए इतनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर हनुमान जी की, और देखने से ही एक अलग ही तेज दिख रहा था, तो ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, क्योंकि इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना ये ना एक पीसफुल लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था वहाँ पे बैठ कर, अंधेरा होने वाला था क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे देर से पहुँचे थे, तो यहाँ पे ना हमने हनुमान जी के दर्शन करके फिर हम बाहर को आए, और बाहर का जो प्रांगण था जो एंट्री करते समय ही हमें दिख रहा था, तो वो मैं सब देख रही थी। सच मानिए ना इतना पीसफुल, इतना वातावरण यहाँ का, और ये देखिए ना गोल्डन पूरा एक अलग ही लुक था, जैसे पिछले पहले के ज़माने में जैसे मंदिर बनते थे, इतना सुंदर सुंदर मंदिर बनाते थे लोग, मतलब वो ना एक वो वैसी वाइब आ रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी ना यहाँ आके, हर जगह हनुमान जी की मूर्तियाँ, शिव भगवान जी की मूर्तियाँ, सब जगह हर जगह मैं जहाँ भी देखी, और सबसे प्यारा तो ये थे जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी थे, देखिए ना कितने क्यूट से लग रहे थे, जो शिव भगवान जी के शिवलिंग को पकड़े हुए थे, मैं को ये देखते ही ना सबसे पहले मैंने श्री को कहा कि श्री पहले प्रणाम बोलो, जय बोलो, क्योंकि ना उसने भी फर्स्ट टाइम ऐसा देखी है, तो उसको भी ये ना बाल रूप टाइप के लग रहे थे, वो बच्चों की तरह लेटे हुए, सच में ये ना एक कहते हैं ना कि भगवान की एक लीला है, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने शिवलिंग को पकड़ा हुआ था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जैसे लग
राधा लेटे हुए वहाँ पे उनको देख रहे हैं, और यहाँ पे ना नंदी भगवान जी को यहाँ पे जो कान में बोला जाता है, एक तरह से कान में बोला जाता है, तो दूसरा कान हाथ कान दूसरे कान में रखा जाता है, जो भी आवेश मांगो ना तो दूसरे कान से ना कोई बाहर ना चले जाए। तो ये सब देख के ना हम श्री को दिखा रहे थे, और हम यहाँ पे सभी भगवानों को हम प्रणाम करवा रहे थे, उसे सब चीज दिखा रहे थे। कल वो भी बड़ी होगी ना तो ये सब देखेगी, तो उसको भी और अनुभव होगा, क्योंकि हम लोगों को ना जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमें दिखा रखा है हमें वैसे ही अनुभव है, तो सेम वैसे ही हम अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या कहीं कुछ भी हो। तो यहाँ पे वो प्यार कर रही थी नंदी भगवान जी को, वो बहुत प्यार से उनको देख रही थी, उनके पाँव छू रही थी, क्योंकि लोग वहाँ पे कर रहे थे। तो मैं भी जाके मैंने भी वहाँ पे विश मांगी, तो देखिए मुझे देखते ही ना अपना भी वहाँ पे आ गई। तो ये शैतान ना सोच रही थी मम्मा ने इनको क्यों पकड़ रखा है, तो उन बार बार मेरा हैंड हटा रही थी, बार बार कह रही थी मम्मा क्या कर रही हो। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आनंद देती है, मंदिर जाओ और देखो मेरे 9 दिन के व्रत हैं, बहुत थकान लग रही थी बाहर, बट जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं ना सारी थकान ही पता नहीं कहाँ उड़न छू जाती है। देखिए ना कितना सुंदर मंदिर है, इस मंदिर में आके किसकी थकान दूर नहीं होगी, कोई भी टेंशन में होगा उसकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। आगे चलते चलते हमने देखे बहुत सारी हनुमान जी की छोटी बड़ी, और दीवारों में भी ना इतनी अच्छी कलाकृति बनाई गई थी ना, तो वकील मारिया ना बहुत ही सुंदर था, और बहुत भीड़ थी, हम लोग को ना दर्शन करने में तो परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वहाँ वो इतना बड़ा धाम है कि आपको ना वहाँ पे हर जगह रास्ते मिल जाएंगे। और सच मानिए लोग यहाँ पे, मैं जिसके भी चेहरे पे देख रही थी ना एक स्माइल थी, वो सभी के मैं चेहरे पे एक स्माइल देख के ना उनके मुँह से एक ही शब्द निकल रहा था, इतना सुंदर बना रखा है, इतना सुंदर बना रखा है। तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। और श्री को हम यहाँ से दिखा रहे थे नीचे कि ये धाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धाम अभी ऊपर भी था और नीचे भी जाने का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियों से देखिए नीचे कितना अच्छा ये धाम दिख रहा है, नीचे झूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं नीचे, भगवान जी के इतने मंदिर हैं यहाँ पे, देवी देवताओं के मंदिर है, गोमती नदी बह रही है उसमें बोट चल रही है, बोटिंग कर रहे हैं लोग। तो ये सब देख के ना बहुत आनंद मिलेगा आपको भी, एक बार आप ज़रूर विज़िट करिएगा, हमारे कहने पर नहीं, लोग जब आपको वहाँ जाओगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये धाम कितना सुंदर है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये मंदिर को बनने में ना 7 साल लग गए थे, शायद इससे भी ज़्यादा लगे हो, बट जहाँ तक मुझे मे भी पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट ये ना 6 जुलाई 2022 को ना ये ओपन हो गया था सभी के लिए। तो ये मंदिर ना आप जब लखनऊ में जब देखेंगे ना आप इस समय ना ये आप कहीं पर भी ये सर्च करिए ना, ये मंदिर इस समय बहुत फेमस चल रहा है, क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि इसके देखने से ही पता चलता है ना ये क्यों फेमस है इतना। और ये देखिए ना कितनी हरियाली है, फूल देखिए, यहाँ पे पानी देखिए, हर जगह इतनी अच्छी डिज़ाइन कर रखी है, जिस किसी ने भी ये धाम डिज़ाइन किया ना बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया है, और इसके बारे में जितना कहूँगा उतना कम है। ये मंदिर इतनी सुंदर है ना, इतना सुंदर है, आपकी फोटो खींचते हैं, सुंदरता के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोलना चाहेंगे ना वो भी कम पड़ेंगे शब्द। अरे ये वॉल पे खींचते ना पहले आप खींचे तो मेरे बाबू के यहाँ, बाबू यहाँ आने इसमें। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आए थे वो सब अपनी फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे प्यारी सी श्री के साथ फ़ोटो खींची थी। तो यहाँ पे ना श्री को तो बहुत पसंद आ रहा था, श्री बैठ के यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रही थी, कभी भाग जा रही थी, तो और लोगों को देख के वो भी खुश हो रही थी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में वो वैसे तो नहीं जाती है ज़्यादा, उसे थोड़ा सा डर लगता है, बट अब यहाँ पे आके ना वो भी बहुत खुश हो रही थी। और उसको ना वोटिंग करनी थी, बट हम लोग उसको ले जा नहीं सकते थे क्योंकि अंधेरा होने वाला था, और वोटिंग में बच्चों को ले जाना थोड़ा सेफ नहीं लग रहा था कि रात का टाइम है, और वो इतनी शैतान है कहीं कुछ इधर उधर हाथ पांव मारने लग गई या डर गई, तो इसलिए उसको बोटिंग कराने नहीं ले गए, बट बाद में जब हम आराम से आएंगे जल्दी आएंगे थोड़ा तो तब उसको कराएंगे ज़रूर, बट आज तो हमने उसको नहीं कराया, बट वो उसका मन पूरा वही था कि उसको जाना है, उसको पानी में जाना है वहाँ पे। तो ये देखिए वो मेरे साथ ना बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाने के मूड में नहीं थी, तो मैंने अकेले अकेले वीडियो बना रही थी, वो अपने पापा के साथ खेलने में थी, कभी इधर कभी उधर भागने में ही थी,
तो मैंने सारा यहाँ पे ना सब कुछ देख रही थी मैं। यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था। अभी ना रात का टाइम होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो ना लाइटें जब चलनी लग गई है तो स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे ना जब लाइटें जलती है ना तो इतना सुंदर लुक आएगा ना। और रात के टाइम पे अगर आप यहाँ पे विजिट करोगे ना तो बहुत सुंदर दिखाई देगा। ये अलग ही उसकी एक वो होगा, एक पॉजिटिव वाइब ना यहाँ पर हर जगह आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा। और सबसे प्यारी देखिए यहाँ पर हनुमान जी की प्यारी सी मूर्ति है, जो कि देखिए राम नाम का पाठ कर रहे हैं, तो इतना सुंदर सी मूर्ति ना है। श्री तो वो देखते ही इतनी खुश हो गए ना, उनको छूने लग गए, उन्हें प्यार करने लग गई थी। तो हमने ना श्री को हर चीज़ दिखाई, यहाँ पे सारे भगवानों के दर्शन कराए। वो सीढ़ियों से जब उतर रही थी तो ना देखिए ये दृश्य देख के ही आपको बहुत प्यारा लगेगा। ये दृश्य देख के कितने अच्छा है ना, एक वो जो पहले गाँव में जैसे गेरू पैटर्न लगाते थे वैसे ही यहाँ पर डिज़ाइन करी गई है। गेरू पैटर्न गेरू से जैसे लग रहा था गेरू लगा रखा है, और लुक भी वैसे ही था, इतना सुंदर लग रहा था ना। झूले लगाए थे तो ना मतलब गांव की यादें भी आ गई थी। यहाँ पे ना श्री को ना हमने झूले में बैठाया, तो श्री को ना स्ट्रेंजर एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था, उसके साथ बैठने में उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसको वहाँ पे ना किसी ने उसको हटा के ना वहाँ पे बच्चे अब लड़की को बैठाया, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे श्री ना खेल रही थी, अपना झूला झूल रही थी, तो वो ना ये झूले का पूरा आनंद ले रही थी। और भी लोग इसके साथ वो यहाँ पे बैठे हुए थे, फोटो खींच रहे थे, तो वो श्री ना चुपचाप से हो गई थी, क्योंकि वो ना अभी इसको ना अनजान लोगों से ना थोड़ा सा वो दूर रहती है, नहीं बोल पाती है, तो वो यहाँ पे स्केयर हो गई थी थोड़ा सा, तो फिर चिल्लाने लग गई। श्री बार बार ना बोल रही थी इधर चलो इधर चलो, तो हम समझ रहे थे क्योंकि रात हो रही थी और वो बार बार वोटिंग करने के लिए कह रही थी, तो अब वही इसको चुपचाप से हम वीडियो बना के वहाँ से निकल लिए थे, नहीं तो वो तो बिल्कुल ही जिद कर रही थी ना। और देखिए रात हो गई थी बिल्कुल, लाइटें सब जल गई थी पूरी, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना ये मंदिर, यहाँ से पीछे से हम देख रहे थे यहाँ से, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम हो रहा था, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, घर जाके खाना भी बनाना है, तो नवरात्रि भी है, 9 दिन की फास्ट भी है, तो पूजा भी करनी है, तो सब कुछ काम थे, तो इसलिए हम आज ना जल्दी जल्दी जा रहे हैं। पर श्री को ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बच्चों के साथ खेल के उसे बहुत अच्छा लगा, झूला झूल के उसके बहुत अच्छा लगा। और रात का दृश्य तो आप देखेंगे ना, आप तो सोचेंगे हम कहाँ आ गए। लखनऊ में ना ऐसे धाम मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है, इस समय ये बहुत फेमस भी है और ये बहुत सुंदर है। रात के टाइम पे तो इसकी जो सुंदरता है ना वो और भी बढ़ जाती है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो चाह रही थी कि 1-2 घंटे हम और रुके, बट टाइम इतना था नहीं, तो हम अगली बार आएंगे ना तो काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे, तब अच्छा लगता है जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ आए, मंदिर में हो या कहीं पर भी हो, तब मज़े आते हैं वहाँ पर। तो आगे देखेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं सीधे अब घर को। तो यहाँ पे ना रास्ते में हम जा रहे थे तो ना सब लाइटें जल गई थी, तो पेड़ों में ना जो लाइटें की वो जो लाइटिंग थी ना वो दिख रही थी ना, तो श्री वही देख के बहुत खुश थी। तो बहुत सुंदर मंदिर था यहाँ पे हमने आज देखा, बहुत प्यारा मंदिर, बहुत ही प्यारा। बाहर को जाने के लिए ना मंदिर से ना जो रास्ता हमें एंट्री करते समय एक नीचे की गर्फ की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा था मंदिर के जाने की ओर, तो वही रास्ते से ना हमें बाहर जाना था। तो यहाँ पे रास्ते में ना काफ़ी अच्छे अच्छे से भगवान जी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही थी, कलाकृतियाँ दिखा रही थी हनुमान जी की, तो सभी के दर्शन कराते हुए हम श्री को हम इस रास्ते से ले जा रहे थे। तो रास्ते में ना बहुत प्यारी प्यारी सी मूर्तियाँ देखने को मिल रही थी। जाते जाते ना भी यहाँ पर भी एक मंदिर था, यहाँ पे हनुमान जी का बहुत प्यारा सा मंदिर था अंदर, वहाँ पर भी हमने इसको दर्शन कराए अंदर जाके। और यहाँ पे देखिए सभी लोग हनुमान जी के दर्शन करें, क्योंकि जाते समय ना ये रास्ते से हनुमान जी का इस कमरे में बहुत प्यारा सा एक मंदिर है। तो श्री तो बार बार ना जो भी यहाँ पर घंटियाँ लगी है सब बजाने की कोशिश करी, चाहे वो उसमें पहुँचे और कोई अगला इंसान पहुँचे ना पहुँचे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस घंटी बजानी है। तो यहाँ पर ना अंकल जी ने तो उसकी हेल्प करी, उन्होंने उसको उठाया और उसको घंटी बजाने में उसकी हेल्प करी। तो और यहाँ पे देखिए श्री ने वहाँ से फूल लेके जा रही है, माथा टेका उसने और फटाफट से वहाँ से फूल लेके आ गई। और यकीन मानिए ना ये फूल उसने अपने हाथों में ऐसे पकड़ा हुआ था ना, किसी को दे भी नहीं रही थी, और घर जाते जाते हमने वो देखा फूल उसके हाथों में ही था। और यहाँ पर भी हमने श्री को ना प्रणाम करने को बोला, यहाँ पर देखिए श्री अपने फूलों को ना सबसे छुपा रही है, छुपा के वो यहाँ से लेके, ये सीढ़ियाँ जाती है जहाँ से हम एंट्री करते हैं ना वहीं से एग्जिट करने का भी इधर से है, तो यहाँ से ना आराम से आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ना महसूस
रखने के लिए सू रैक बना रखे थे। जिस जाते समय हमने यहाँ पे सू रैक में अपने शूज रखे थे, चप्पल रखी थी, स्लीपर वगैरह रखे थे। तो ये हमारा ना अब जाने का टाइम है, तो हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट हम वापस ज़रूर आएंगे। एग्जिट का रास्ता है, तो अब हम मंदिर से एग्जिट कर रहे हैं। और काफी भीड़ थी इसलिए यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी सब दर्शन करें हैं। अंधेरा हो गया था और मेरे बर्थ भी चले थे, घर जाके मुझे खाना भी बनाना था, रात का एक टाइम का जो खाना बनता है। तो यहाँ पे ना क्या गया? ये यहाँ पे ऑटो ऑटो ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा कि ऑटो के जाते हैं, रात सामने ही यहाँ पे मेट्रो है, तो शायद सीधे मेट्रो से ही चलते हैं सीधे, थोड़ा सा मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सीधे वॉक करके गए और सब यहाँ पे थोड़ा सा ही डिस्टेंस है मेट्रो का, मेट्रो स्टेशन का। तो यहाँ पे हम मेट्रो में फटाफट से मेट्रो बैठे और अपने घर की ओर चल दिए, जो कि बहुत कम टाइम लगता है आजकल मेट्रो में। तो ये बड़ा सेफ वो रहता है कि फटाफट से अपना मेट्रो में बैठो और तुरंत अपने घर यहाँ पे स्टेशन में पहुँच जाओ। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और हमारी श्री को ना खूब सारा प्यार दीजिएगा। आगे भी उसकी वीडियोस को खूब लाइक एंड शेयर करिएगा। जितना आप उसे प्यार देंगे ना, जितना आप उसे मोटिवेट करेंगे ना, हम उतनी अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे।